करना पड़ा आज तो मुझे। क्या बात है अनोखे राम, आज तो बड़े थके थके लग रहे हो। बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ मैं। पर मुझे तो पता है तुम पास से ही आ रहे हो। नहीं भाई, मैं तो बहुत दूर से आ रहा हूँ। अरे मानो पास से ही आ रहे हो, वास्तव में तुम्हें दूर पास का ज्ञान है ही नहीं। ओहो, ये दूर पास को समझना क्या मुश्किल है? देखो ये है मेरी गेंद और ये मेरा गिलास। बस गेंद मेरे पास है और ये गिलास दूर है। उसे उठाने के लिए तो मुझे आगे झुकना भी पड़ता है। और अब जरा देखो, गिलास दूर है या दवात? इन दोनों में तो ये गिलास पास हो गया और ये दवात दूर। और अभी तुम कह रहे थे कि गिलास दूर है और अब कहने लगे कि गिलास पास है। वाकई दूर पास कहना तो बड़े चकराने वाले शब्द हैं। ठहरो जरा सोच लूं। अगर हम इनकी दूरी माप लें तो पास और दूर का फैसला हो जाएगा। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा अनोखे। यदि हम गेंद, गिलास या पेंसिल की दूरियां एक निश्चित स्थान से माप लें तो कौन सी वस्तु दूर है और कौन सी पास, ये आसानी से पता लग जाएगा। लो मैं यहाँ से दूरी नापता हूँ अपने हाथ से, ऐसे 1, 2, 3 और 4। तो बस गिलास की दूरी हुई 4 बालिश्त। लो अब मैं अपने हाथ से नापता हूँ, अब यह दूरी हुई केवल 2 बालिश्त। तो इसका मतलब बालिश्त से नापने से भी समस्या हल नहीं हुई। और यही नहीं, किसी भी दूरी को जब 2 आदमी अपने अपने कदमों से नापते हैं तो भी दूरी की माप अलग अलग ही आती है। लेकिन पहले जमाने में कोई और चारा नहीं था और दूरियां ऐसे कदमों से ही नापी जाती थी। तब तो झगड़े भी खूब होते होंगे। हाँ होते थे, इसीलिए बाद में एक खास लंबाई की छड़ इस्तेमाल की जाने लगी। लो इस छड़ से दूरी नापो। पर ये छड़ें भी तो अलग अलग माप की हो सकती हैं। पहले तो ऐसा ही होता था, एक देश में एक छड़ और दूसरे देश में दूसरी छड़। पर अब तो सब देशों में एक ही छड़ प्रयोग में लाई जाती है और वह है यह ऐसी छड़। जिसे कहते हैं 1 मीटर। कपड़े की दुकान पर मैंने देखा है कि ऐसी ही छड़ को प्रयोग कर कपड़ा नापा जाता है। और यही नहीं, दर्जी की दुकान पर भी तुमने देखा होगा कि दर्जी एक फीते से नाप लेकर कुछ लिखता जाता है। पर वह तो छोटे छोटे निशान पढ़कर सब कुछ नोट करता है। हाँ वह मीटर के ही छोटे छोटे भागों में मापता है। एक मीटर के 100वें भाग को कहते हैं सेंटीमीटर। सेंटी का अर्थ होता है 100वां भाग, यानी 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इस मीटर छड़ को देखो, इसमें एक एक सेंटीमीटर के 100 चिन्ह लगे हैं और ऐसे ही निशान लगे होते हैं दर्जी के फीते पर। मैंने देखा है। यही नहीं, लंबी लंबी दूरी मापने के लिए एक बड़े फीते पर ही मीटर व सेंटीमीटर के चिन्ह लगा दिए जाते हैं और इस फीते से हम छोटी बड़ी सभी दूरियां नाप सकते हैं। जैसे यदि हमें मैदान नापना हो अथवा खेत की लंबाई चौड़ाई मापनी हो, सब ऐसे बड़े फीते से ही नापी जाती है।
पर रेलगाड़ियाँ, बसें और मोटर इत्यादि तो बहुत दूर दूर जाती हैं। हाँ जाती हैं। और मोटर या बस में जाते समय तुमने सड़क के किनारे ऐसे पत्थर भी लगे देखे होंगे। हाँ देखे तो हैं। यह पत्थर दूरी पर लगे होते हैं और हर चार छोटे पत्थरों के बाद एक बड़ा पत्थर, पांचवा पत्थर बड़ा होता है। जरा सोचो और बताओ, दो बड़े पत्थरों के बीच कितनी दूरी होगी? दो बड़े पत्थरों के बीच में हुई 1000 मीटर। हाँ ठीक, दो बड़े पत्थरों के बीच 1000 मीटर की दूरी होती है और 1000 मीटर की दूरी को कहते हैं 1 किलोमीटर, यानी 1 मीटर का 1000 गुना होता है किलोमीटर। तो हम कहेंगे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटरों में ही मापी जाती है। हाँ अब मुझे समझ आ गया कि दूरी मापने की इकाई है मीटर, और अगर छोटी दूरी नापनी हो तो मीटर के 100वें भाग यानी सेंटीमीटर में नापी जा सकती है। बहुत बड़ी बड़ी दूरी नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किलोमीटर, यह मीटर का 1000 गुना होता है, यानी हम कह सकते हैं कि 1000 मीटर को ही हम 1 किलोमीटर कहते हैं। आओ अनोखे, अब तुम्हारी ऊंचाई नापे। मैं तो 60 सेंटीमीटर ऊंचा हूँ। और यही नहीं अनोखे, ऊंचाई मापने का एक और भी तरीका है। अगर हम अपने हाथों को फैलाकर बड़ी उंगलियों के बीच की दूरी नाप लें तो वह भी लगभग ऊंचाई के बराबर ही होती है। ये तो बहुत मजे की बात है, दोनों हाथों को फैलाया और बड़ी उंगलियों के बीच की दूरी नापी, बस ऊंचाई पता चल गई।